जारे उड़े जारे पाखी घुरालो प्राणेर मेला शेष होएलो बेला आर केन पीछे तोरे बेंधे राखी जारे। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। ओके सुगस, कैसे गैस? आशा करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। सुगस आप लोगों ने प्रीव्यू वीडियो देख लिया किस टॉपिक को टेटस होने वाला, तो इस साउंड के ऊपर मुझे एक भाई बोला था टेटस बनाने के लिए, तो जो टेटस शुरू बताऊंगा ये टेटस शुरू भी काफ़ी वायरल चल रहा है, तो कुछ फोटो आप लोग ऐड करके इस टाइप का टेटस अपना भी एडिट कर सकते हो। तो इस टाइप का टेटस आप लोग एडिट करने के लिए जस्ट वीडियो को फुल वॉच करना पड़ेगा। वीडियो में चुकुच मीटर यूज करूँगा, सभी का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डायरेक्ट मेटल को डाउनलोड करना चाहते हो मेरे टेलीग्राम चैनल में छोड़ना चाहो, और सारे मेटल का लिंक मिल जाएगा। सुगस वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब करके जो का बेल आइकन होता है उसको ऑल पे प्रेस कर देना, इससे वीडियो बनाने के लिए देखने के लिए। सो गाइस हम विल टू और द विल टू टेक जानते हैं वीडियो को शुरू करता है, लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है ऑलराइट, इस टाइप का स्टेटस एडिटिंग करने के लिए सिंपल आप लोग का फोन के अंदर तीन ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, एक है इंसर्ट प्रो और इन कॉलेज और रिमिनी। तो आप लोग तीनों ऐप नहीं है तो सिंपली आप लोग को इंसर्ट प्रो को मेरे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, और आप लोग रिमिनी और इन कॉलेज को आप लोग प्ले स्टोर में जाके सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हो, तो आप लोग कर लेना। तो फर्स्ट आप लोग को जो काम करना पड़ेगा इन कॉलेज को ओपन करना पड़ेगा, तो इसको ओपन कर लेना। फर्स्ट टाइम आप लोग डाउनलोड करोगे तो कुछ परमिशन मांगेंगे, अलाउ कर देना। उसके सिंपली स्टेप का आप लोग के सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा, उसके सिंपली आप लोगों को अपना कुछ फोटो यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो सिंपली यहाँ पे आप लोगों को जो शो कर रहे हैं यहाँ पे एडिट एंड ग्रेड यहाँ पे टच करना पड़ेगा, उसके सिंपली आप लोगों को जहाँ पे जाना पड़ेगा इसको हम लोग क्लोज कर देंगे, यहाँ पे ऐड शो करेगा। तो इसको क्लोज करने के बाद स्टेप का आप लोगों के सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा, यहाँ पे कुछ फोटो आप लोगों को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोग 20 फोटो को ऐड कर सकते हो, तो आप अपना जो भी फोटो अच्छा सा है आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसे कपल का फोटो ले करके आप लोगों को टेटस स्टूडियो बताऊंगा, तो सिंपली यहाँ पे हम लोग 20 फोटो जस्ट ऐड कर लेंगे, तो आप लोगों के सामने करता होगा। तो सिंपली यहाँ पे ऐसे करके 20 फोटो को मैं ऐड कर लूँगा। सो गाइस मैंने 20 फोटो को ऐड कर लिया, उसके सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट पे टच करेंगे, उसके सिंपली आप लोग सामने ऐसे करके लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद यहाँ पे इंटरफेस ऐसे करके आ जाएगा, उसके सिंपली यहाँ पे आप लोग रेशियो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे बॉर्डर जो है यहाँ पे लूपिंग जो है यहाँ पे आप लोग जो भी रखना चाहते हैं यहाँ पे ऐसे करके सिलेक्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे प्रो वर्जन 2-3 है, तो आप लोगों को सिंपली जो पसंद है वो रेशियो आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। मैं सिंपली यहाँ पे इस रेशियो को सिलेक्ट कर दूंगा, उसके सिंपली आप लोगों को यहाँ पे जाना पड़ेगा यहाँ पे रेशियो पे, उसके सिंपली यहाँ पे आप लोग जिस रेशियो से टेटस एडिटिंग करना चाहते हो 4:5 5:3 जो भी रेशियो आप लोग रखना चाहते हो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो सिंपली मैं 4:5 रखा, उसके सिंपली इसको हम लोग बॉर्डर पे जाएंगे। इस बॉर्डर पे जाके सिंपली हम लोग इसको जो काम करेंगे इसका बॉर्डर को हम लोग ऐसे करके कम ज़्यादा ऐसे करके आप लोग कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग जितना आप लोगों का बॉर्डर रखना चाहते हो कर देना, मैं यहाँ पे 2 रखा। उसका सिंपली आप लोगों को इसको डन कर सकते हो, तो सबसे पहले हम लोग इसको डन ही कर देते हैं, उसके बाद सिंपली आप लोग इस फोटो लेयर ऐसे करके आप लोगों को फोटो को भी एडजस्टमेंट कर सकते हो। यहाँ पे वाइट दिखाई दे रहा है, तो ऐसे करके आप लोग होल्ड करके ऐसे करके एडजस्टमेंट भी एक एक फोटो को कर सकते हो। तो सिंपली जो भी फोटो आप लोगों का प्रॉब्लम है तो ऐसे करके आप लोग को कर लेना पड़ेगा। उसके सिंपली आप लोग इसको जो काम करोगे इसको सेव कर सकते हो, और सेव से पहले आप लोग यहाँ पे जो बॉर्डर ऐड किया था बॉर्डर को भी कलर को भी आप लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हो। यहाँ पे जाके भी यहाँ पे कलर को भी चेंज कर सकते हो यहाँ पे आके। तो मैं यहाँ पे व्हाइट ही रखूँगा, उसका डार्क कर देंगे। उसके सिंपली आप लोग को इस फोटो को आप लोगों को सेव करना पड़ेगा, और यहाँ पे जैसे फोटो भी आप लोग कुछ अलग ऐड हो गया तो सिंपली यहाँ से भी आप लोग जाके यहाँ पे टच करके ऐड फोटो पे जाके सिंपली फोटो को ऐड कर सकते हो। तो ऐसे करके आप लोग यहाँ पे फोटो को एडजस्टमेंट कर लेना पड़ेगा, उसके सिंपली इस फोटो को सेव करना पड़ेगा। यहाँ पर टच करिए, उसके बाद जस्ट सेव हो जाएगा, उसके सिंपली यहाँ पे आ जाएगा एक ऐड, उस ऐड को कट करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे सेव हो चुका है। उसके बाद इस फोटो को सेव करने के बाद अभी इसको बैक कर लेते हैं। उसके बाद दूसरे ऐप को हम लोगों को ओपन करना पड़ेगा, तो उसको सिंपली हम रिमिनी ऐप को ओपन करेंगे। उसके बाद रिमिनी को ओपन करने के बाद कुछ फर्स्ट टाइम करोगे तो वो भी परमिशन मांगेगा, तो अलाउ कर देना। उसके सिंपली आधार फोटो पर जाएंगे, उसके सिंपली हम लोग फोन के फोल्डर पर जाके यहाँ से देख सकते हो ई कॉलेज पर जाके हम लोगों का 2 फोटो मैंने एक पहले से सेव किया था, तो इस फोटो को आप लोगों को ऐसे करके सिलेक्ट कर लेना पड़ेगा। उसका सिंपली फोटो को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऐसे करके एक ऐड आ जाएगा, तो इनहेंस पर टच कर सकते हो, इनहेंस पर टच कर सकते हो। उसके सिंपली यहाँ पे एक आ जाएगा, उसके सिंपली यहाँ पे कट कर देना, उसके सिंपली यहाँ पे लोडिंग लेगा। उसके बाद आप लोगों के सामने एक ऐड चलेगा, तो उस ऐड को आप लोगों को जस्ट फुल वॉच करना पड़ेगा। देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ले रहा है, लोडिंग ले रहा है, तो आप लोग यहाँ पे एचडी करने के लिए थोड़ा सा आप लोग वेट करना पड़ेगा इस फोटो को। तो यहाँ पे चलेगा देख सकते हो,
तो ऐड हो चुका है, मतलब ऐड खत्म हो चुका है, ऐड नहीं मैंने दिया कैसे पता नहीं, तो ऐड आएगा तो ऐड को आप लोग फुल एच करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एच डी, यहाँ पे फुल एच डी है, तो यहाँ पे ऐसे करके इस फोटो को सेव करना पड़ेगा, यहाँ पे टच करके उसके सेव पे टच कर दीजिए। अभी यहाँ पे ऐड चला गया, तो मैंने गलत बोल दिया, तो यहाँ पे आप लोग ऐड को ख़त्म कर लेना पड़ेगा। उसके सिंपली आप लोग इस फोटो को यहाँ पे आप लोग ऐड ख़त्म करने के बाद एक सेव बोल करके ऑप्शन आएगा, तो मैं इसको स्किप कर लेता हूँ। तो देख सकते हो कि ऐड खत्म हो चुका, तो अभी इस ऐड को यहाँ पे ऊपर कट कर देंगे, उसके बाद फोटो को हम लोग सेव करेंगे। तो सेव करने के लिए सिंपली हमें थोड़ा सा फिर से लोडिंग लेगा, उसके डन पे टच कर देना, डन हो जाएगा, सेव हो चुका है। तभी इसको हम लोग बैक कर लेते हैं, दूसरी ऐप को ओपन करेंगे। तो इसको बैक करने के बाद हम लोग अभी इनशॉट प्रो को ओपन करेंगे, तो इनशॉट को हम लोग ओपन कर ले, उसके सिंपली हम लोग वीडियो आइकन पर टच करेंगे। तो फर्स्ट टाइम कर को ये भी कुछ परमिशन मांगेगा, आप लोग अलाउ कर देना। तो सिंपली इनशॉट प्रो का लिंक आप लोग को मेरे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ पर जाके सिंपली डाउनलोड कर सकते हो। तो सिंपली यहाँ पर न्यू पर टच करेंगे, उसके बाद अभी आप लोग उस फोटो जो है, इस फोटो को अभी आप लोग रिमिनी ऐप से एच डी उस फोटो को आप लोग यहाँ पर आके सिलेक्ट कर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर आके हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेंगे, तो फोटो को सिलेक्ट करने के बाद इस टाइप का आ जाएगा देख सकते हो। तो अभी उसके बाद सिंपली इसके ऊपर आप लोगों को जो काम करना पड़ेगा इसका ड्यूरेशन, तो फोटो लेयर पे टच करिए, उसके सिंपली आप लोगों को ड्यूरेशन को यहाँ पे मिलेगा यहाँ पे। तो जिस टाइम जितना टाइम आप लोग डेटा रिटेनिंग करना चाहते हो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे पेन आइकन में टच करिए, मैं इसको 28 सेकंड 6 तक बनाएंगे, ठीक है, ऐसे करके ओके में क्लिक करके इसका ड्यूरेशन हम लोग डन कर देंगे। तो डन हो चुका है देख सकते हो। उसके बाद अभी हम लोग इसका रेशियो हम लोग सिलेक्ट करेंगे, तो उसके लिए जहाँ पे जाएंगे तो सिंपली हम लोग यहाँ पे टच करेंगे देख सकते हो, यहाँ पे कैनवा है, कैनवा पे जाके सिंपली यहाँ पे आप लोग जो भी रेशियो रखना चाहते हो रख सकते हो। तो मैं इसको 4:5 रखेंगे, उसके डन कर देंगे, हो चुका है। उसके सिंपली आप लोग को इसको जो काम करना पड़ेगा, इसके अंदर आप लोग को ऑडियो ऐड करना पड़ेगा। ऑडियो ऐड करने के लिए सिंपली आप लोग को यहाँ पे म्यूजिक पे जाना पड़ेगा, उसका सिंपली म्यूजिक पे जाके हम लोग वीडियो से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो आप लोग चाहो तो आप लोग माई म्यूजिक पे जाके यहाँ पे अपना जो भी फ़ोन का म्यूजिक है यहाँ पे आके भी सिंपली ले सकते हो। तो मैं सिंपली एक्सट्रैक्ट कर लूँगा, तो सिंपली यहाँ से एक्सट्रैक्ट के ऑडियो को ले लूँगा। और आप लोग चाहो तो सिंपली दैट सिंपली यहाँ पे म्यूजिक शो करेगा, यहाँ पे भी आके यहाँ पे आके सिंपली यहाँ पे फिल्टर पे जाके फोल्डर पे जाके यहाँ पे भी सिंपली ऑडियो अपना भी ऐड कर सकते हो। तो सिंपली मैं एक्स्ट्रा ऑडियो को ले लिया, उसका सिंपली देख सकते हो इतना तक ही ऑडियो आ चुका है जितना तक हम लोग का वीडियो बनाए। तो उसके बाद अभी हम लोग को जो काम करना पड़ेगा, इसके अंदर आप लोग को लिरिक लिखना पड़ेगा और एक ब्लैक स्क्रीन ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए सिंपली आप लोगों को यहाँ पे जो स्टिकर शो कर रहा है, स्टिकर पे आप लोगों को टच करना पड़ेगा। उसके सिंपली फिर से यहाँ पे स्टिकर पे टच करिए, उसके सिंपली यहाँ पे आप लोगों को इस आइकन शो कर रहा है जी एफ के साइड में, इस आइकन में टच करके सिंपली आप लोगों को प्लस आइकन में टच करना पड़ेगा। उसके सिंपली अपना फ़ोन का फोल्डर ओपन हो जाएगा, उसके बाद जस्ट आप लोगों को मैं 2 PNG दे दूंगा इस टाइप का। तो सिंपली इस PNG को हम सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद सिंपली हम इसका साइज को एडजस्टमेंट करेंगे। तो यहाँ पे साइज को यहाँ पे रखेंगे, तो इसका थोड़ा सा यहाँ पे टच करके SRO में टच करके इसको ऐसे करके हम थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे, ठीक है, अपने हिसाब से कर लेना। उसके बाद सिंपली इसको डन करेंगे, उसके सिंपली इस लेयर को जितना तक हमने वीडियो बनाए उतना तक हम इस लेयर को ऐसे करके होल्ड करके लेकर जाएंगे गैस। उसके सिंपली यहाँ पे रख देंगे, रखने के बाद अभी वो लोगों को जो काम करना पड़ेगा इसके ऊपर वो लोगों को लिरिक को लिखना पड़ेगा। लिरिक लिखने के लिए जो काम करोगे सिंपली यहाँ पे आप लोगों को लिरिक को सुनना पड़ेगा, उसके बाद आप लोगों को लिरिक को लिखना पड़ेगा। तो इसको हम लोग डन कर देते हैं, उसके स्टेज पे जाएंगे, उसके बाद आप लोगों को लिरिक को जस्ट लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए जो काम करोगे सिंपली इसको हम लोग बैक करते हैं, मैं सिंपली लिरिक को ऑलरेडी गूगल में रखा था, तो फर्स्ट आप लोगों को गूगल में जाके लिरिक को सर्च करना पड़ेगा। तो मैं सिंपली यहाँ से कुछ लाइन आप लोगों को लिख कर दिखा दूंगा, तो सिंपली मैं यहाँ से गूगल से लिरिक को जस्ट कॉपी कर लूँगा। तो आप लोग जिस सॉन्ग के ऊपर बना रहे हो तो सॉन्ग का फर्स्ट लाइन लिख दोगे, सर्च करोगे, आप लोगों का लिरिक आ जाएगा। तो मैं सिंपली यहाँ से 2-3 लाइन कॉपी कर लिया, उसके सिंपली मेन प्रोजेक्ट को मतलब इनशॉट प्रो को फिर से मिनिमाइज करने के ओपन कर ले। तो सिंपली फर्स्ट लाइन को हम लोग रखेंगे, उसके बाद इसका फर्स्ट लाइन रखने के बाद यहाँ पे ऐसे करके बाकी लाइन को हम लोग कट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद सिंपली हम लोग कट करके बैक होते हैं, उसके सिंपली इसको डन कर लेंगे। उसके सिंपली इसके अंदर हम लोग एनिमेशन सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो सिंपली यहाँ पे टच करिए, उसके सिंपली इन पे यहाँ पे इस एनिमेशन को सिलेक्ट करेंगे और आउट को भी सिंपली इसको सिलेक्ट करेंगे। इसका ड्यूरेशन भी आप लोग यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हो। उसके सिंपली इसका फॉन्ट जो है, फॉन्ट को भी आप लोग यहाँ पे जाके सिंपली आप लोग को सिलेक्ट कर सकते हो। कैसे फॉन्ट ऐड करोगे इनशॉट प्रो के अंदर, तो आप लोग कुछ भी फॉन्ट ऐड कर सकते हो। तो फॉन्ट आप लोगों का जो भी है आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो सिंपली यहाँ पे जो डाउनलोड ऑप्शन दिखा रहा है, डाउनलोड ऑप्शन पे जाके सिंपली अपना कस्टम फॉन्ट फोल्डर जो है आप लोग यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो सिंपली एक्स्ट्रा करके रखा, तो सिंपली यहाँ पे ऐसे करके होल्ड करके यहाँ पे सिलेक्ट कर देना, वो आ जाएगा फॉन्ट इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आ चुका है, और चाहो तो यहाँ पे भी जाके आप लोग इनशॉट से भी कस्टम फॉन्ट को डाउनलोड कर सकते हो। तो जो भी मन है आप लोग कर सकते हो। उसके बाद सिंपली इसको बैक कर लेते हैं, मैं सिंपली इस फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे कलर को भी चेंज कर सकते हो, बॉर्डर स्ट्रोक जो भी ऐड करना चाहते हो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं करूँगा, इसको डन कर देंगे। उसके बाद सिंपल हम लोग इसको जो कम करेंगे, इस जो हम लोग ब्लैक शैडो
लगाया, उसके ऊपर ऐसे करके हम होल्ड करके रखेंगे, उसके सिंपली इसको थोड़ा सा छोटा करके हम लोग इसके हिसाब से रख देंगे। उसके बाद एक एक करके लाइन को सुनना, उसके बाद आप लोगों को ऐसे करके जस्ट लिखना पड़ेगा। तो आप लोगों को दिखा देता हूँ, मैंने ऑलरेडी लिरिक को लिख कर रखा हो, तो सिंपली इसको बैक कर लेते हैं। सिंपली आप लोगों को जो काम करना पड़ेगा आप लोगों को दिखा दो, कैसे इसको हम लोग बैक करेंगे। बस मैंने बैक कर लिया, उसके सिंपली मेन जो मैंने करके रखा ऑलरेडी काम, उस प्रोजेक्ट को ओपन कर लूँगा। तो सिंपली इसको बैक करके ओपन कर लेते, सॉरी ये नहीं, गलत ओपन हो रहा है, तो सिंपली इसको मैंने ओपन कर लिया। उसके बाद सिंपली इसके अंदर ऑलरेडी मैंने लिरिक लिख कर रखा, देख सकते हो, जैसे करके लिख कर लो, सिंपली लाइन बाय लाइन लिख देना पड़ेगा सुनने के बाद। उसके बाद इसके अंदर आप लोग को एक इफेक्ट और ऐड करना पड़ेगा, तो सिंपली आप लोगों को यहाँ पे फिल्टर पे जाना पड़ेगा, फिल्टर पे जाके सिंपली इफेक्ट पे जाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे हल्का सा स्क्रॉल करके जाके सिंपली यहाँ पे शो करेगा कुछ इफेक्ट इंस्टॉल के बाद यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे कुछ टाइप का इफेक्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो भी आप लोग लगाना चाहते हो लगा सकते हो। तो सिंपली मैं यहाँ पे इस सिलेक्ट करने के लिए बोलूँगा, उसके इसका ड्यूरेशन ऐसे करके कम ज़्यादा भी कर सकते हो, उसके डाउन कर देना। उसके सिंपली इसको भी ऐसे करके होल्ड करके इतना तक हम लोग ले लेंगे, उसके यहाँ पे छोड़ देंगे यहाँ पे आके, तो हो चुके थे सकते हो। और आप लोगों को इफेक्ट और ऐड करके दिखा देता हूँ, सिंपली उसका भी ब्लैक स्किन दे दूँगा। सिंपली जहाँ पर जाओगे तो PLP पे जाएंगे, सॉरी PLP पे जाने के बाद सिंपली हम लोग इसको यहाँ पे एक ब्लैक स्किन टाइप का शेडो ग्लिच वाला यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा, तो इसको आप लोगों को जस्ट फुल कर लेना पड़ेगा। तो इसको ऐसे करके आप लोग फुल भी कर सकते हो, सिंपली इसको एरो में टच करके हम लोग इसको फुल कर लेते हैं सामने, तो ऐसे करके आप लोग जस्ट फुल कर लेना पड़ेगा। उसके सिंपली इसका जितना तक लेयर है उतना तक लेना पड़ेगा। तो इस आइकन में एक बार टच करें, इसके एक्स्ट्रा पार्ट काट हो जाएगा। उसके सिंपली इसके ब्लैक स्किन हटाने के लिए जो काम करोगे, ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पे जाके सिंपली इसको हम लोग इसका ब्लैक स्किन को हटाने के लिए सिंपली ब्लेंडिंग पे जाएंगे, उसके सिंपली हम स्क्रीन पे सेलेक्ट कर देंगे, ये हट जाएगा, उसके स्किन को डाउन कर देंगे। देख सकते हो इसका ब्लैक स्किन हट चुका है। तो आप लोग इस ब्लैक स्किन को भी ऐड कर सकते हो, तो इसका भी लिंक दे दूंगा आप लोगों को। उसके सिंपली पर टच करिए, उसके सिंपली यहाँ पर सेव कर सकते हो, सेव करने के लिए यहाँ पर टच कर दीजिए। उसके सिंपली यहाँ पर हज़ार आसी क्वालिटी है, इसको सेलेक्ट कर दीजिए ना। सेलेक्ट करने के बाद सिंपली एक्सपोर्ट शुरू हो जाएगा, उसके बाद एंटर पर आ जाएगा सेव बोल करके, उसके बाद क्लिक कर देंगे वीडियो फोन के आप लोगों का सेव हो जाएगा। सो गाइस अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया क्या करके चैनल को सब्सक्राइब करके जो बोल बेल आइकन है तो उसको ऑल पे प्रेस कर देना, इससे वीडियो बनाने के लिए देखने के लिए। सो गाइस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, वीडियो को लाइक कर देना, और गाइस वीडियो को हो सके तो फेल हो तो शेयर भी कर देना, और कमेंट में कमेंट करके जरूर बताना वीडियो अच्छा लगा बोला कैसा लगा। सो गाइस कुछ डाउट होता है कॉम्स के बारे में तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करके जरूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग ऑल, बाय बाय।